हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज यू के 08 ड्राइव। मैं हूं आपका दोस्त राज और आज आप देख रहे हैं फ्रेम में मारुति सुजुकी जिमनी 2023 न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल। ये आपका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है। इसमें दो मॉडल आते हैं आपके, जेटा और अल्फ़ा। ये आपका सेकंड बेस मॉडल है, सेकंड टॉप बोला जाएगा इसको। बहुत ही बेहतरीन आपको रोड प्रेजेंस ऑफर करती है। मारुति ने अपना शेयर बाज़ार में उतार ही दिया है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। बहुत ही प्यारी लुकिंग आपको ऑफर कर रही है साइड और फ्रंट और बैक से। बहुत ही बल्की लुक आपको मिल जाता है, बॉक्सी लुक मिलेगा कार में आपको। ये आपको 5 डोर ऑप्शन के साथ आती है। बहुत ही बेहतरीन इसमें व्हील बेस मिल जाएगा। मारुति ने इसको अपना थार के अपोनेंट उतारा है। थार का साइज़ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो थोड़ी आपको विड्थ और लेंथ में ज़्यादा मिल जाती है। हाइट भी उसकी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी कैपेबल ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल निकाला है मारुति ने अपना इंडियन मार्केट में। ये आप देख पा रहे हैं इसमें साइड एक्सेसरीज भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं फ्रंट से। पूरी बॉडी में आपको व्हील आर क्लैडिंग मिलेगी, बिल्कुल लव एंड टफ ऑफ रोड लुक के साथ। काफ़ी आपको माचो लुक मिल जाता है इस कार में। बहुत ही बेहतरीन आपको इसमें ग्रिल मिल जाती है, 5 स्लॉट आपको ग्रिल मिलेगी। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और ये आपको क्रोम वर्क मिल जाएगा। ये आपका सिल्वर शाइनी फिनिश मिल जाती है। ये आपका रेड कलर आता है इसका, फायरी रेड, ब्लैक और वाइट, और आपका ग्रीन कलर भी आपको इसमें मिल जाता है। इस तरीके आपको इसमें हेडलैम्प मिल जाएंगे इसके सेकंड टॉप मॉडल में। हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस आपको हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। पार्किंग बल्ब मिल जाता है नीचे, ये इंडिकेटर आ जाता है इसका बल्ब बेस। टॉप मॉडल में आपको ये पूरा LED मिलेगा, दो बीम के साथ मिलता है उसमें, दो LED बीम आ जाती हैं हाई और लो के लिए। नीचे फॉग लैंप मिल जाता है इसमें। ये आपको इसका मडगार्ड मिल जाता है फ्रंट में बम्पर। ये आपका प्लास्टिक में मिलेगा, फाइबर में। इसका एयर डैम मिल जाता है कुछ आपको। नीचे आप इसका अप्रोच एंगल देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 210 या 15 mm के समथिंग। ये आपका जी वैगन की तरह लुक ऑफर करती है आपको, इंडियन जी वैगन अब इसको कह सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन इसमें व्हील आर क्लैडिंग मिल जाती है, काफ़ी बाहर की साइड निकले हुए। तो आप इसके टायर मॉडिफाई कराएंगे तो काफ़ी बेहतरीन लुक आने वाला है इसमें। कंपनी से स्टॉक में आपको ब्रिजस्टोन के टायर ऑफर किए गए हैं। काफ़ी बढ़िया टायर प्रोफाइल तो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक प्रोफाइल मिल जाती है इसमें। ये आपको मिल जाता है 195/80R15 सेक्शन का इसमें टायर मिलेगा विथ वेंटिलेटेड डिस्क। साइड फेंडर पे आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाता है बल्ब बेस। काफ़ी बड़ा इसमें आपको मिरर मिल जाएगा रफ एंड टफ लुक के साथ। ये इसके वाइपर्स आ जाते हैं, वॉशर मिल जाएंगे आपको यहीं पर। ये आप इसका फ्रंट ग्लास देख पा रहे हैं, काफ़ी बिल्कुल जो इसका फ्रंट बीम है सीधा एकदम स्लांटेड है ऊपर की तरफ। काफ़ी बेहतरीन आपको रूफ मिल जाती है इसमें। ये कुछ इस तरीके का इसमें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको इसमें रफ एंड टफ लुक के साथ, जैसे आपके जिप्सी में डोर आते थे उसी तरीके का आपको डोर ओपनर मिल जाता है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है पैसेंजर को ड्राइवर साइड। ये इसमें एक्सेसरीज का पार्ट लगा हुआ है जिमनी की बैजिंग के साथ, काफ़ी बढ़िया लुक ऑफर करता है। ये आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हैं। ये कुछ आपको इसमें फेंडर्स मिल जाते हैं प्लास्टिक का पार्ट ठीक ठाक क्वालिटी के साथ। काफ़ी बॉक्सी लुक आपको मिल जाता है चारों तरफ से इसका। और ये आपकी काफ़ी कैपेबल ऑफ रोडर होने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, तो अपने ओपोनेंट्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग आपको ऑफर करेगी। बहुत ही बेहतरीन आपको पीछे की तरफ इसमें टायर मिलेगा सेम सेक्शन का, काफ़ी बढ़िया लुक ऑफर करती है। जिमनी की बैजिंग मिल जाती है, इसी के ऊपर आपको इसका डोर ओपनर मिल जाएगा। ये इसका रियर वाइपर आ जाता है, वॉशर ऊपर की तरफ मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है। तो काफ़ी प्यारा सा इसमें आपको माइक्रो एंटीना मिल जाएगा।
ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्लैंटेड इसकी रूफ मिल जाती है। रियर डिफॉगर भी ऑफ़र किए जा रहे हैं और ये आपको नेक्सा की तरफ से ऑफ़र की जा रही है नेक्सा की शोरूम पर। ये आपको इसमें लाइट्स मिल जाती हैं हैलोजन बल्ब के साथ। ये इसका पार्किंग रियर पार्किंग बल्ब मिल जाता है, ये इंडिकेटर आ जाता है, ये इसकी लाइट आ जाती है। ये बम्पर भी आपको रियर वाला प्लास्टिक मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, लाइट के ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप इसका नीचे रियर डिफरेंशियल देख पा रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव के, काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। दो पार्किंग आपको सेंसर मिलेंगे इसमें, चार पार्किंग, एक ये मिल जाएगा, काफ़ी वेल प्लेस्ड मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, दो ही साइड में मिल जाएंगे। जेड और ब्लैक कलर में काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर करती है कार। अब जो लोग ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं और जो कम बजट में एक अच्छी खासी ऑफ रोडर ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मारुति ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये इसका क्वार्टर ग्लास पैनल देख पा रहे हैं, एक बार ये आप इसका लुक देखिए, फिर मैं आपको इसका बूट भी दिखाऊंगा। काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर कर रही है कार, पर्सनली काफ़ी मस्त लग रही है एकदम। इसका रियर डोर खोलते हैं, इसमें आपको इस तरीके का इसका डोर ओपनर मिलेगा रियर का। ये इसका आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाता है इसमें, काफ़ी बेहतरीन, ठीक ठाक आपको 290 या 300 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस मिलेगा। पार्सल ट्रे भी नीचे की तरफ मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया कवर किया हुआ, ये एक्सेसरीज का पार्ट है इसका। 60-40 आपको इसकी आपकी 50-50 बेंच टाइप सीट्स मिल जाती हैं, जिसे आप इस तरीके से यहाँ से अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हुक में इसमें लॉक हो जाती हैं। रियर में दोनों आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, नीचे की तरफ इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसकी टूल किट्स मिल जाती हैं, इसकी लाइट आ जाती है, चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का आपको, और ये आपको मैनुअली इसमें बूट लाइट मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया इस तरीके का आपको बूट मिलेगा ठीक ठाक स्पेस के साथ। काफ़ी बढ़िया हाइड्रोलिक के साथ इसका आपको बूट ओपनर मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी बढ़िया बॉक्सी लुक ऑफर करती है कार। कार को देख के काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, एकदम रियल ऑफ रोड। मारुति अपने ग्राहक के लिए सोचता है, मारुति ने अब कंपटीशन में अपना कम बजट वाला ऑफ रोडर उतार दिया है, काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस भी मिल जाती है कार की। इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया कार के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया पावर प्रोड्यूस कर देता है, जिस इंजन को भी कार के हिसाब से ट्यून किया गया है मारुति ने। इसका मैनुअल आपको की का ऑप्शन मिलेगा इस वाले वेरिएंट में, काफ़ी यूज़ आपको मिरर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा बड़ा विंडो ग्लास एरिया मिलेगा, तो कैबिन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। करते हैं डोर की बात, फ्रंट डोर आपको इसका काफ़ी बड़ा मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपका रियर वाला डोर थोड़ा छोटा मिलेगा चौड़ाई में, ये आप देख पा रहे हैं। सिंपल आपको एकदम रफ एंड टफ डोर फीलिंग मिलेगी, पूरा आपको प्लास्टिक पार्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, डोर ओपनर भी आपका प्लास्टिक में आ जाता है। ये कुछ आप कार्ड स्पेस समझ सकते हैं, इसमें बॉटल तो नहीं आएगा आपका, स्पीकर आ जाता है इसका। इस तरीके का इसका आपको कैबिन व्यू मिल जाता है फ्रंट में, राउंड शेप का आपको स्टेयरिंग ऑफर किया गया है। इसमें आपको कोई लेदर रैप मिलेगा नहीं, आप बाद में लगवा सकते हैं इस पर कवर या लेदर रैप। सीट्स आपको मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया सीट्स मिल जाती हैं, इस पे एक्सेसरीज़ के रूप में कवर लगे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के कवर लगा रखे हैं मारुति ने। दोनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट में, मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स आ जाती हैं इसकी, ये इसके टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन आ जाती है, स्टैंडर्ड आपको पेडल मिल जाते हैं, ये आपका मैनुअल वेरियंट है इसका, एक इसमें ऑटोमेटिक भी आता है 1500 सीसी के इंजन के साथ ही। ये इसके ट्रैक्शन ऑन ऑफ और लाइट के कंट्रोल्स आ जाते हैं विथ इल्यूमिनेशन। ये इसके मिरर एडजस्ट करने के, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर मिल जाता है इस
तरीके का आपको हॉर्न मिलेगा सिंगल टोन के साथ। बैठते हैं अंदर की तरफ, चाबी दिखाता हूँ आपको। ये आपको इस तरीके की इसमें नॉर्मल सुजुकी की मिल जाएगी लॉक अनलॉक ऑप्शन के साथ। सीट्स तो काफ़ी इसकी बढ़िया रफ एंड टफ फील दे रही हैं, कुछ नहीं सीट्स तो हैं, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है मेरे को। और ये आप पहले इसका डैशबोर्ड देखिए, काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया एकदम। कार को एक बारी ऑन कर लेते हैं। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. कनेक्टेड कार फीचर के साथ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको MID मिल जाती है। ये आप यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अपनी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इकोनॉमी, फ्यूल एवरेज, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रेंज आपको शो करती है। नॉर्मली आपको सुजुकी कार्स की तरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर्सनली टैकोमीटर काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका, एनालॉग में काफ़ी बढ़िया। साउंड तो इतना नहीं पता चल रहा है, काफ़ी बढ़िया इंजन आपको ट्यूनिंग करके मिल जाता है इसके साथ। ये इसका 7 इंच का, 7.5 इंच का आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इसमें आपका नया वाला लगा हुआ है जो मारुति अपनी कार्स में नेक्सा के थ्रू ऑफर करती है, टच रिस्पॉन्स और काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन। मैनुअल इसमें आपको AC मिल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं मैनुअल AC मिलेगा। कूलिंग तो काफ़ी बेहतरीन मिलती है इन कार्स में मारुति की। ये आपका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, ये इसका फोर व्हील ड्राइव का जाता है, 2 हाई 4 हाई एंड 4 लो के साथ। ये इसके हैंड ब्रेक आ जाता है, इसके रियर पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये पावर विंडो लॉक्स मिल जाता है। ये इसके फ्रंट के विंडो कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये आपको ऑटो मिलती है इधर वाली विंडो ड्राइवर साइड। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ आ जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफर करती है कार आपको। ये नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, ये 12 वोल्ट का सॉकेट, USB टाइप, USB C मिल जाता है पोर्ट इसका। ये इसका मैनुअल AC के टॉगल आ जाते हैं, ये कुछ इस तरीके के वेंट्स मिलेंगे आपको रफ एंड टफ लुक के साथ, काफ़ी बढ़िया ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है मैनुअली, आपको इसमें IRVM मिलेगा। ये इसका सन होल्डर आ जाता है विथ मिरर, लाइट नहीं मिलेगी इसमें। को ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है विदाउट लाइट सेम, ये आपको कैबिन लाइट मिल जाएगी फ्रंट में हैलोजन बल्ब के साथ। ये इसके 2 माइक दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी खासी विंडो को एरिया मिल जाता है आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, काफ़ी बढ़िया। मैं बहुत ही बढ़िया हाइट पे बैठा हुआ हूँ, काफ़ी बढ़िया मेरे को एकदम बोनट की एजेस एकदम बढ़िया विजिबल हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑफ रोडिंग करने में इसमें वाकई में काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कार के साथ। ये कुछ इस तरीके कंट्रोल्स आप देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया ग्लास एरिया भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है। ये आपको स्मॉल साइज़ का ग्लव बॉक्स ऑफर करते हैं, इसमें लाइट नहीं मिलेगी। ऑफ रोडिंग के हिसाब से कार को डिज़ाइन किया गया है तो उस हिसाब से ठीक ठाक आपको स्पेस तब भी मिल जाता है। ये बॉटल स्पेस आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आप अपनी बॉटल लगा सकते हैं। मच्छर घूम रहे हैं आप देख रहे हैं। चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। ये आपका रियर डोर आ जाता है, फ्रंट डोर की तरह इसको थोड़ी कम हाइट दी गई है, काफ़ी रियर डोर आपको थोड़ा चौड़ाई में कम मिलता है। ये आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है इसमें, काफ़ी बढ़िया रफ एंड टफ फील के साथ। ये इसका विंडो का कंट्रोल यहाँ पे भी दिया हुआ है काफ़ी यूनिक तरीके से। रियर डोर में आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है। ये आपका बेंच टाइप सीट्स मिल जाएंगी 60-40 स्प्लिट्स के साथ,
दोनों हेडर्स मिल जाते हैं और आपको दोनों एडल्ट पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। हाइट भी ठीक ठाक है गाड़ी की अंदर बैठने के लिए, इनग्रेस आउटग्रेस काफ़ी बढ़िया है, नॉर्मल हाइट वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके की आपको सीट्स मिलती हैं। इसकी सीट्स आपको एकदम बेंच टाइप की मिलेंगी, डिक्लाइन एंगल तो नहीं मिलेगा इसमें लेकिन ठीक ठाक मिल जाता है आपको। बेज में आपको इसकी रूफ़ मिल जाएगी, बेज और ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको, बेज एंड ब्लैक के साथ ये रियर से व्यू आता है। पीछे की सीट्स इसकी काफ़ी ऊपर की तरफ हैं तो पीछे वालों को भी बोनट काफ़ी बेहतरीन तरीके से व्यू हो जाता है, देख लीजिए आप। मैं अपने आइस की हाइट के हिसाब से दिखाता हूँ, देखो आपको काफ़ी बढ़िया बोनट विजिबल होता है। कैबिन लाइट मिल जाती है रियर में भी, सेंटर में ग्रैब हैंडल आ जाते हैं, ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया। सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं आपको इसमें, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट और आपका ट्रैक्शन ऑफ, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर भी ऑफर करती है कार ये। इसका आप हम्प देख पा रहे हैं, रियर का हम्प तो मिलेगा इसमें क्योंकि इसके ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है। लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट थोड़ा आपको कम मिलेगा लेकिन लेग रूम काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ये आप देखिए दो अडल्ट और एक चाइल्ड, नॉर्मल बिल्ट वाले दो अडल्ट और एक चाइल्ड काफ़ी आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी बिल्ट वाले और 6 फिट के समथिंग उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, दो अडल्ट ही कंफर्टेबल बैठ पाएंगे इसमें। रियर में आपको कोई इसमें हैंडरेस्ट में नहीं मिलेगा, ये आपका रियर का स्पेस देख पा रहे हैं, क्वार्टर ग्लास पैनल मिल जाता है। कैबिन तो काफ़ी एरी लगने वाला है आपको, काफ़ी बेहतरीन। चलते हैं अब एक बार इसका बूट खोल के दिखाएंगे आपको, ये इस तरीके का कुछ आपको मिल जाता है, चेक कीजिए आप। डोर थर्ड भी काफ़ी बढ़िया, बोनट खोल के दिखाते हैं आपको, लीवर मिल जाता है बोनट का यहाँ पर आपको, इसे आप पुल करेंगे तो इसका बोनट ओपन हो जाता है। तो ये देखिए आपने मारुति सुजुकी जिमनी, फ्रंट से बैक से एंड इंटीरियर से, बात करते हैं इसका बोनट ओपन करते हैं। ओ अच्छा खासा वेट मिल जाता है, ये आप इसका इंजन भी देख पा रहे हैं, 1500 सीसी का आपको वर्टिकली प्लेस्ड इसमें इंजन मिल जाता है, इसको वर्टिकली प्लेस किया गया है क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये इसके आप देख पा रहे हैं। वेल आपको मैनेज मिल जाएगा इसका इंजन भी काफ़ी बढ़िया, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से प्लेस किया गया है इसको, मारुति ने इसको इस कार के हिसाब से ट्यून किया है, काफ़ी बेहतरीन पावर प्रोड्यूस करता है ये इंजन। पर्सनली काफ़ी बेहतरीन लग रही है कार मेरे को, वीडियो में तो पता नहीं आप कैसा देख पा रहे होंगे लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर करती है, एकदम अर्बन लुक आ रहा है एकदम बॉक्सी। एक ब्रांको आती है ब्रांको करके, जो आपकी साउथ दुबई वगैरह में काफ़ी देखी जाती है कार, फुली ऑफ रोड, सेम उसकी तरह फ्रंट से लुक दे रही है कार, काफ़ी बेहतरीन बनाया है मारुति सुजुकी ने इसको और काफ़ी बढ़िया करा है इंडिया मार्केट में लाके। अब थार और इसका कंपटीशन काफ़ी बेहतरीन चलने वाला है और इसकी आपको काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन किट भी मिल जाती हैं। तो ये था मारुति सुजुकी जिमनी का वॉक अराउंड डिटेल रिव्यू, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।